सबसे पहले मेरे चैनल स्मार्ट थॉट को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें और ऑल पर भी क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31। ये है 31। ये बोलता है एक वृत्त बनाओ जिसका अर्ध व्यास ए रेखा के समान दिया हो, जो दी हुई रेखा ए बी और दिए हुए वृत्त ओ को बाहर से स्पर्श करें। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? एक वृत्त दिया है जिसका नाम ओ है, और एक ए बी रेखा दी हुई है, और एक अर्धव्यास दिया हुआ है। इन तीनों का यूज़ करके बोला है हमें एक वृत्त बनाने के लिए। ठीक है, लगे पता? तो आओ हम जल्दी से इसको कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी रेखा ले लेते हैं, जो दी हुई चीज़ है इसका नाम ए, इसका नाम वी। अब जो है यहाँ पे हम उसको हम इतना कर ले लेते हैं, इसका नाम ए है, और साथ में जो दिया हुआ वृत्त है ओ उसको भी ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम मान लीजिए ओ है, यहाँ पे वो वृत्त दिया हुआ जिसका नाम ओ है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम जो है वृत्त खींचेंगे, अपनी मर्ज़ी से कंपास ओपन करेंगे और एक वृत्त लगा देंगे जिसको हम पूरा करेंगे, है ना। ये वृत्त हो गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ए के बराबर कंपास ओपन करेंगे ऐसे, और ए पर रखेंगे और इस तरह से चाप लगाएंगे, छोटी छोटी चाप दोनों तरफ, बी से भी इस तरह की चाप लगा दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका हम डॉटेड मिलाएंगे। ये डॉटेड मिलाई जाएगी, बिल्कुल छोटे छोटे डॉट। ये हो गया हमारे पास डॉटेड लाइन। इसका नाम सी देंगे हम, इसका नाम हम डी देंगे। अब सी और डी ये लाइन होगी तैयार। ऊपर से हम जो है एक पॉइंट यहाँ पे एन ले लेंगे इस पे। ठीक है, इसका नाम हमने एन ले लिया। एन और ओ को हम डॉटेड मिलाएंगे, एन और ओ इसका हम डॉटेड मिलाएंगे। ये हो गया एन और ओ। अब हमने फिर से क्या करना है, ए के बराबर कंपास ओपन करनी है और एन पर रखना है, और इसमें जो हमने एक कट लगाना है, जो हमारी लाइन छोटी हो गई इसको हम बढ़ा देते हैं। ये हमारी थोड़ी सी छोटी हो गई थी, इसको हम बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा दी हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट तक जो है कंपास ओपन करेंगे हम ऐसे। ठीक है, और नीचे वाली लाइन को भी काट देंगे ऐसे डॉटेड। ठीक है, इस पॉइंट का नाम आएगा पी, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ऊपर वाले का हम एस रखेंगे। ठीक है, पी से हमने कंपास इसके बराबर पहले ओपन करनी है। ठीक है, और पी पर रखनी है और वृत्त लगाना शुरू कर देना है यहाँ से,
और चेक भी करना है कि भी बराबर है या नहीं, और ब्रेथ लगाना शुरू कर दो एक डार्क, बिल्कुल डार्क, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से ये हमारा वृत्त तैयार है। ओके, ये कंप्लीट हो गया है।